वक्त मौजूद हैं शाहजहांपुर के नानकपुरी गुरुद्वारे में। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, उनसे बात करें। टिकैत जी, 10 महीने से ज्यादा हो गए दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे और 1 साल हो गया करीब कानून बने हुए, ना तो सरकार पीछे हट रही है ना किसान पीछे हट रहे हैं, तो बात कैसे बनेगी? बात भी नहीं हो रही अब तो। और बात हो जाएगी अगले 10 महीने में हो जाएगी बात। किसान अपने हकों के लिए बैठा, सरकार कंपनी के लिए बैठी, तो किसान तो वापसी जाएगा नहीं। ये किसान के मरण जीवन का सवाल है। किसान जब तक कानून वापसी नहीं होगा, घर वापसी नहीं जाएगा। उसका रिजल्ट आपको ये देखने को मिल रहा कि अभी धान आना शुरू हो गया है, तो धान 1200 रुपये में बिक रहा है, उसका रिजल्ट आ गया। यही हाल गन्ने का है, यही हाल गेहूं का रहेगा, यही हाल और फसलों का है, यही हाल आलू का है। सरकार कह रही है MSP भी खरीद करेंगे, MSP है, रहेगी और है, लेकिन नौबत यह है कि धान कटना शुरू हो गया, लेकिन मिलर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। बात शाहजहांपुर की करें, सस्ता खरीदेंगे, वे लूटेंगे, सस्ता खरीदेंगे, मतलब उनको फ्री का चाहिए। मंशा क्या है सरकार? सरकार की ये है कि लूट हो, किसान को लूटा जाए, यही तो सरकार की मंशा है। सरकार के आरोप है शुरू से कि प्रायोजित आंदोलन है, विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष उकसा रहा किसानों को, क्या लगता है किसानों को उकसाया जा सकता? और पंजाब का मुख्यमंत्री कह रहा है कि अंतर हटो, इनको कहने दो, सब पार्टी को इनको कहने दो, जो ये कहेंगे इनको कहने दो। आरोप अध्यक्ष जी आप पे भी लगाए जा रहे हैं, आरोप आप पे भी लग रहे हैं कि आप यूपी में कह रहे हैं भाजपा को हटाओ, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ नहीं खुलकर बोले, ऐसा कहना है? कानून तो भारत सरकार लेकर आई, जो उनसे कानून जाने की बात करते थे वो सरकार तो दिल्ली से हट गई, अब तो भारत सरकार लेकर आई कानून। लेकिन वही बात की जाए भानु की, वो पीछे हट गए, वीएम सिंह पीछे हट गए, आपके लिए बहुत तरीके अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, कह रहे कि आतंक फैला रहे हैं। लगान दो, हाँ ये सरदार सारे आतंकवादी नहीं है, इन्हें पकड़ लो भाई, सब इकट्ठे हो रहे। सरदार को आतंकवादी कहेंगे, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहेंगे, ये एक कौम का आंदोलन बताएंगे, फिर छोटे बड़े किसानों में बांटेंगे, फिर इसको बाहर की फंडिंग बताएंगे, इनको जो कहना हो कह ले। 27 सितंबर का आपने भारत बंद की कॉल की है, तो क्या अपील करेंगे किसानों से आप? एक दिन का किसान कर्फ्यू, सब लोग इसमें सहयोग करें, एक दिन ना जाएं, और उसमें हमको आम जनता की सबकी हमको जरूरत है, आम जनता हमारी एक दिन की मदद करें। राकेश टिकैत हमारे साथ थे, उन्होंने सरकार पर हमला बोला है, वो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, सरकार किसानों को खत्म करना चाह रही है। वहीं उनका कहना है कि किसानों की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। शाहजहांपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।